हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इंस्पायर एकेडमी बालाघाट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं बोपचे सर। और आज हम परमाणु संरचना टॉपिक में एक नया लेक्चर लेके आए, लेक्चर नंबर 5। और इस लेक्चर में बेटा हम देखने वाले हैं क्वांटम संख्या और भी इसके आगे की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिकों के बारे में जानकारी। तो बेटा जल्दी से बिना देर लगाए स्टार्ट कर देते हैं आज का टॉपिक, क्वांटम संख्या। तो बेटा क्वांटम संख्या से आप पहले से परिचित होंगे, पहले भी आपने इसके बारे में समझा होगा, पढ़ा होगा। बहुत ही मजे के साथ आज पढ़ने वाले पूरे पूरे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी जानकारी मैं आपको बताऊंगा इस पूरे पूरे टॉपिक में। तो बेटा पीएटी 2024 के लिए तैयार हो जाइए और पूरे जमखम के साथ चलिए चलते हैं क्वांटम संख्या की ओर। तो क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर होती क्या है बेटा? तो सबसे पहले आपको एक जनरली बता दूं कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति की जानकारी के लिए आधार कार्ड होता है, क्या होता है बेटा? आधार कार्ड। आप सभी ने देखा होगा कि हर व्यक्ति की जानकारी के लिए एक आधार कार्ड होता है। वो जो आधार कार्ड आपका होता है वो व्यक्ति की पूरी पूरी जानकारी दे देता है, जैसे कि वो किस देश में रहता है, किस देश के किस प्रदेश में रहता है, प्रदेश के बाद स्टेट, स्टेट के है ना, प्रदेश यानी स्टेट, स्टेट के बाद किस डिस्ट्रिक्ट में रहता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद किस गांव में रहता है, तहसील में रहता है, गांव में रहता है, ये पूरी पूरी गांव के बाद घर और उसके मकान नंबर की भी जानकारी उसमें पूरी पूरी दर्शाई जाती है। ठीक उसी प्रकार केमिस्ट्री के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं परमाणु, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाली जो संख्या होती है उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसे? क्वांटम संख्या कहते हैं। तो मैंने आपको बताया आप इसे इलेक्ट्रॉन का आधार कार्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन का आधार कार्ड, इलेक्ट्रॉन का आधार कार्ड भी बोल सकते हैं। क्लियरली बिल्कुल अभी समझ में आएगा आपके कैसे इसको इलेक्ट्रॉन का आधार कार्ड बोल सकते हैं। तो बात सुनिएगा, क्वांटम संख्याएं परमाणु में इलेक्ट्रॉन का पता बताती हैं। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी पूरी पूरी संपूर्ण जानकारी देने वाली संख्या क्वांटम संख्या कहलाती है। ठीक है बेटा, अब यहां पर ये चार प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? चार प्रकार की होती है ना। और चार में पहली होती है बेटा मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरी होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसे बोलते हैं बेटा, जिसे बोलते हैं एजोमिथल क्वांटम नंबर। देन सेकेंड हो गई, थर्ड जो होती है बेटा वो होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। हाँ देख रहे होंगे आप, चुंबकीय क्वांटम संख्या है ना, जिसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। और चौथी होती है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे स्पिन क्वांटम नंबर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो बात क्लियर होती है कि सर चार प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है और क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का पता बताती है। जैसे इलेक्ट्रॉन का क्या क्या, तो सबसे पहली वाली जो क्वांटम संख्या है बेटा ये बताती है कोष, इलेक्ट्रॉन के कोष या कक्षा के बारे में। ठीक है, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन के नाभिक के, परमाणु में जो नाभिक के चारों ओर कक्षा होती है जिन्हें वो कोष कहते हैं, उस कक्षा की जानकारी देती है मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरी ये देती है बेटा उपकोष की, कक्षा में कोष के अंदर उपकोष होते हैं, इसे ऊर्जा स्तर कहते हैं, इसे उप ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये एसपीडीएफ थे आपको पता होगा, इसके पहले की क्लास में हमने पूरी बातें की थी, कक्षा के बारे में भी किया था, कक्षक के बारे में भी किया था, पूरी पूरी बातें हमने वहां पर पढ़ी थी बेटा। आगे की ओर यहां बेटा जो आपको तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये बताएगी उपकोष के कक्षक के बारे में, कक्षक यानी इलेक्ट्रॉन के कक्षक की जानकारी। और ये कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं है ना, ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में जानकारी देती, इसीलिए इसका नाम स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या रखा गया है। तो अब इतनी बात तो क्लियर हो जाती है सर कि चार क्वांटम संख्या है और चारों क्वांटम संख्या क्या क्या जानकारी देती है, क्या क्या जानकारी बताती है बेटा। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं और एक एक करके पूरी चारों क्वांटम संख्याओं को समझते हैं और फिर अंतिम में हम देखेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन क्वांटम संख्याओं से आ सकता है। तो बेटा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहली क्वांटम संख्या, जिसका नाम है मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, एक एक जानकारी मैं यहां आपको इसके संबंध में देने वाला हूं। तो बेटा यहां लिखा है यह क्वांटम संख्या, क्या लिखा है? यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के नाभिक से दूरी, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी, ऊर्जा और
परमाणु का आकार दर्शाती है। क्या दर्शाती बेटा? परमाणु का आकार दर्शाती है। ये बात तो क्लियर हो जाती है। जैसे बेटा ये परमाणु का नाभिक हो गया, ये नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती है। अब मान के चलिए इलेक्ट्रॉन यहां है, तो ये क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन यहां है, ये कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से यहां तक की दूरी भी कौन बताएगी? ये देखिए यहां लिखा है, यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी, नाभिक से दूरी। परमाणु का आकार दर्शाती है कि कितना बड़ा होगा, साइज छोटा बड़ा क्या होगा, यही संख्या बताती है। इसे n से दर्शाया जाता है, स्मॉल n से दर्शाया जाता है, समझाया जाता है। आगे की बात करें, n के मान एक से लेकर अनंत तक हो सकते हैं, है ना। एक के मान, n के जो मान है बोल रहा है बेटा एक से लेकर अनंत तक हो सकते हैं, पर अभी हमारे पास लगभग n की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है, केवल 7 कक्षाएं हमारे पास अभी अवेलेबल है। भविष्य में हो सकता है कि कभी कुछ हो जाए तो वो बात का विषय, पर अभी हमारे पास जो मोहर महोदय ने अभी तक के जो परमाणु का आकार बताया था, वहां 7 प्रकार की कक्षाएं लगभग हमें देखने को मिलती हैं, जिनका नाम होता है बेटा कोष, या इन्हें कक्षा भी कहते हैं। और इनकी संख्या यहां पर देखिए, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, है ना, जो भी होती है 1 2 3 4 5 से भी इन्हें दर्शाते हैं। आपको पता होगा कि हमने जब बोहर का मॉडल पढ़ा था तो ऐसा हमने पढ़ा था, यहां पर इसे n बराबर 1 पढ़े थे, तो यहां लिखा था हमने k, फिर यहां लिखा था n बराबर 2, तो यहां लिखा था के एल, ऐसा हमने आगे की ओर बढ़ते गए थे, और बढ़ता हुआ एक परमाणु आकार हमने कक्षाओं के आधार पर देखा था बोहर के परमाणु मॉडल में। तो बेटा ये भी बात क्लियर हो जाती है कि मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या जो है, ये इलेक्ट्रॉन के मुख्य कोष की जानकारी देती है। किसकी जानकारी देती है बेटा? ये मुख्य कोष की जानकारी देती है। याद रखिएगा, यह क्वांटम संख्या नाभिक से दूरी ऊर्जा को प्रकट करती है तथा मुख्य कोष की जानकारी देती है। तो ये बात थोड़ा मैं विशेष वाली इसलिए अलग कलर से लिख देता हूं। क्या बोला बेटा मैंने? कि ये मुख्य कोष की जानकारी देती है, मुख्य कोष, या इसे मुख्य कक्षा भी बोल सकते हैं, मुख्य कक्षा की जानकारी देती है। यानी ये जानकारी देती है, ये पूरी मैंने बोला था आधार कार्ड होती है, और आधार कार्ड किसके लिए होता है? जानकारी के लिए होता है। तो ये जानकारी देती है क्वांटम संख्या, और मुख्य क्वांटम संख्या किसकी जानकारी देती है? विशेषली स्पेशली किसकी जानकारी देती है बेटा? ये देती है मुख्य कोष यानी कक्षा की जानकारी देती है, कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा का है, कि पहली कक्षा का है, कि दूसरी का है, कि तीसरी का है, कि चौथी का है, किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये पूरी जानकारी देती है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आगे की बात करते हैं बेटा, और आगे आते हैं दूसरी द्विगंसी क्वांटम संख्या, इसी के बारे में अभी थोड़ी और भी जानकारी मुख्य क्वांटम संख्या की। यह क्वांटम संख्या कोषों की त्रिज्या भी बताती, बोल रहे कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताती बेटा? कोषों की त्रिज्या भी बताती है ना, फिर आगे आएंगे द्विगंसी क्वांटम संख्या पर, है ना। तो कोष मतलब भी बताया था कक्षक, कक्षक की त्रिज्या क्या होगी, है ना। आकार के बारे में भी बताती है, क्योंकि आर यहां पर है कक्षा की त्रिज्या, एन के वर्ग की क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती, समानुपाती होती है, है ना। जैसे जैसे कोष की संख्या बढ़ती, कक्षकों की संख्या बढ़ती जाती है, परमाणु का आकार भी बढ़ता जाता है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा, यहां लिखा है यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में, तो ये जानकारी मैं आपको पहले भी दे चुका हूं कि यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में भी जानकारी देती है। आगे ये यहां पर दिया है ई, है ना, ई समानुपाती होना चाहिए था, ई समानुपाती माइनस इजी 1/n का स्क्वायर, है ना, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है ना, तो ये थोड़ी सी यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है बेटा, है ना, चलिए इसे क्लीन कर दिया मैंने। ये तो ये इस प्रकार का एक रिलेशनशिप होती है एनर्जी और कक्षा के नंबर के बीच, है ना, कि ई इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल या समानुपाती माइनस 1/n का वर्ग, है ना। तो मतलब यहां पर क्या बोल रहा है, यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में भी बताती कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी। आगे किसी भी कोष में कक्षकों की संख्या n का वर्ग तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n के वर्ग द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। मतलब बेटा कल की क्लास जो हमारा लेक्चर नंबर 4 था, वहां मैंने आपको जानकारी दिया था कि किसी भी परमाणु में जो कक्षक की संख्या होगी वो n का वर्ग होती है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो क्या होती है 2n का वर्ग होती है, और कक्षा की नंबर के बराबर ही क्या होते हैं उसमें उपकोष होते हैं। मतलब बेटा अगर आपको उपकोष की संख्या निकालनी है, किसकी उपकोष की संख्या निकालनी है,
तो उपकोष की संख्या का सूत्र होता है कक्षा के नंबर के बराबर। किसके बराबर बेटा? कक्षा के नंबर के बराबर, यानी उपकोष की संख्या जो है वो एन के बराबर होती है, एन के बराबर होती है। मतलब बेटा, मतलब ये कि एन का मान अगर एक है, कक्षा की संख्या अगर एक है, तो उसमें उपकोष कितना होगा? उपकोष कितना होगा बेटा? उसमें एक ही होगा। अगर कक्षा की संख्या दो है तो वहां उपकोष कितने होंगे बेटा? दो होंगे। उपकोष कितने होंगे? दो। जैसे यहां पर एक उपकोष था एस, दूसरी कक्षा में दो उपकोष होते हैं, एक होता है एस एक होता है पी, ऐसा आगे के भी बारे में मैंने उपकोष की जानकारी इसके पहले लेक्चर में दे दी थी। बात करते हैं बेटा थोड़ी कि एन का वर्ग कक्षा की जानकारी, कक्षक की जानकारी देता है, ऑर्बिटल की जानकारी, तो ये भी सुनिएगा। एन का वर्ग, एन का वर्ग मतलब यहां अगर हम बात करें, एन का वर्ग मतलब एन का मान अगर हम एक ले लें तो एक का वर्ग बराबर कितना होगा? एक। मतलब पहली कक्षा क्या है बेटा? फर्स्ट, फर्स्ट कक्षा में, पहली कक्षा में आपका जो कक्षक होगा वो कितना होगा? केवल एक होगा। एन बराबर दो मतलब दूसरी कक्षा में दो का वर्ग बराबर चार, बराबर यहां पर आपके कक्षक जो होंगे बेटा, कक्षक की संख्या कितनी हो जाएगी? चार। तो ये भी जानकारी मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में दिया था, चार किसके बेटा? तो एक एस का और तीन पी के बराबर चार कक्षक होंगे। अगर एन बराबर तीन की बात करूं तो तीन का वर्ग बराबर तीन तिया नौ, बराबर यहां पर कक्षक की संख्या हो जाएगी टोटल, टोटल नौ हो जाएगी। और नौ किस किसके? तो एस का एक पी के तीन बराबर चार और डी के पांच बराबर नौ हो जाते। तो ये भी जानकारी हमने पहले की क्लास में दिया था। और एक बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये जानकारी हमने वहां पर नहीं दी थी, ये जानकारी यहां पर नहीं है थोड़ी, तो हम यहां पर इसे देख लेते हैं इस कॉर्नर पर। तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी कक्षा में कैसे, तो 2n का वर्ग। सूत्र क्या बेटा? ई का नंबर निकालना है तो 2n का वर्ग। तो एन बराबर अगर एक है, क्या बेटा? एन बराबर अगर एक है तो यहां पर आपका, यहां पर आपका 2 मल्टीप्लाई एक का वर्ग, यानी पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बेटा होगी 2 और यहां 1, तो बराबर 2 कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा है या नहीं, ये थोड़ी समस्या वाली बात है। चलिए यहां थोड़ा इसे क्लीन करके बताता हूं मैं आपको। चलिए थोड़ा आगे अच्छे से देखते हैं, क्लियर तरीके से, है ना। एक मिनट, इसे क्लीन करके अच्छे से बता देते हैं हम आपको। ओके, हाँ ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा, है ना। यहां पर दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है पर थोड़ा इधर कॉर्नर पर नहीं दिख रहा। ठीक है, E इज इक्वल टू 2n का वर्ग, n बराबर 1, तो यहां पर है ना ये वर्ग हो गया 1 का वर्ग, है ना, क्योंकि यह n का वर्ग और n की वैल्यू 1 है, 1 का वर्ग, और यहां 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, 2 का 2 बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, क्लियर है, वो भी किसके? एस के। एन बराबर 2 के लिए बता देता हूं, बाकी तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है बेटा? 4, और 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 8। यहां पर n बराबर 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 का वर्ग बराबर 3 तिया 9, 9 दुनी 18। समझ में आ गई होगी बात, ऐसा भी आगे होते रहेगा। तो यह अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आप 2n के वर्ग से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे आते हैं द्विगंसी, द्विगंसी क्वांटम संख्या या एजोमिथल क्वांटम नंबर। बताती किसके बारे में बेटा? तो मैंने अभी आपको जानकारी दिया कि ये किसके बारे में बताती है, ये बताती है उपकोष के कक्षकों में उपकोष के बारे में। किसके बारे में बेटा? उपकोष के, देखो कोष, उपकोष, कक्षक और फिर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहुंचेंगे अभी। ठीक है बेटा, देखिएगा आगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे यहां पर द्विगंसी क्वांटम संख्या, और मैंने बताया कि ये उपकोष की जानकारी देती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं किसकी जानकारी देती है, उपकोष की जानकारी, जानकारी देती है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया होगा, उपकोष की जानकारी देती है, इलेक्ट्रॉन के उपकोष के बारे में बताती है। कि पहली वाली ने बताई कोष के बारे में, दूसरी वाली ने उपकोष के बारे में बताती है, है ना। जैसे कि उपकोष हमारे चार थे, एस पी डी और एफ, ये इलेक्ट्रॉन इनमें से किस में जाएगा? एस में जाएगा, पी में जाएगा, डी में जाएगा, एफ में जाएगा, कौन बताएगा? तो ये है द्विगंसी क्वांटम संख्या। अब यहां इसे कोणी संवेग क्वांटम संख्या कहते हैं,
है ना, द्वितीय क्वांटम संख्या सहायक और गौण क्वांटम संख्या के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वांटम संख्या है ना, यह क्वांटम संख्या कक्षक की आकृति और ऊर्जा को भी बताती। किसकी आकृति? कक्षक, या सीधे सीधे बोल दूं बेटा तो उपकोष, उपकोष की आकृति और ऊर्जा को दर्शाती। क्योंकि हम जैसे यहां पर मैंने आपको इसके पहले की क्लास में भी बताया था बेटा कि S एक उपकोष है, P एक उपकोष है, D एक उपकोष है और F भी एक उपकोष है, परंतु S को हम S कक्षक भी बोल देते हैं, P को एक उपकोष या कक्षक भी बोल देते हैं, P कक्षक, D कक्षक, F कक्षक ऐसा बोलते हैं जनरली, इसीलिए यहां पर कक्षक भी आप इसे लिख सकते हैं और उपकोष भी लिख सकते हैं। जैसे अगर किसी का एक कमरे का मकान है तो वो उसे एक कमरा बोले या एक घर बोले, क्योंकि घर तो है वो, क्योंकि एक कमरा हो चाहे दो कमरा हो, घर तो घर होता है, तो घर तो है परंतु वहां एक कमरा है, इसीलिए हम उसे एक कमरा भी बोल दें चाहे घर भी बोल दें। वैसी बात यहां पर है कि उपकोष मतलब यहां घर है और कक्षक यहां पर क्या है? कमरा होता है। ठीक है, समझ गए होंगे बेटा, है ना। तो यहां पर क्वांटम संख्या उपकोष की या कक्षक की आकृति और आकार ऊर्जा को भी दर्शाती है। यह क्वांटम संख्या उपकोष के बारे में बताती है। सीधी सी बात है, क्लियर है, उपकोष के बारे में बताती है। उपकोष चार प्रकार के होते हैं। परमाणु में कोष उपकोषों के बने होते हैं। कोष जो होते हैं बेटा, कोष से कौन बनता है? कोष के अंदर ही क्या होते हैं? उपकोष होते हैं। तो ये बात हमने पहले की क्लास में भी क्लियर कर ली थी। और आगे की बात है बेटा, इसे एल से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाते हैं बेटा? एल से। अब L से दर्शाते हैं बेटा, तो इसका सूत्र होता है L इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब समझते हैं बेटा है क्या। ये तो पूरी कहानी थी, थ्योरी थी, थ्योरी तो याद रखना ही रखना है, पर बट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट गणितीय संरूप पर जरूर आना है। तो गणितीय स्वरूप को देखते हैं और समझते हैं बेटा थोड़ी कहानी। ठीक है, इसे मैं थोड़ा यहां से क्लीन करता हूं ताकि मुझे यहां पर समझाने में थोड़ी सरल होता आ जाए। चलिए बात करते हैं कि ये कैसे फाइंड आउट करते, कैसे निकालते हैं एल के मान। तो बेटा एल के मान निकालने के लिए एन माइनस वन, मतलब एन क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। एल क्या है? द्विगंसी क्वांटम संख्या। तो अगर हमें एल बराबर, सॉरी, अगर हमें यहां एन की वैल्यू एन बराबर एक दी है, एन बराबर एक, मगर बेटा एन बराबर एक मतलब ये होता है बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ये पहली कक्षा की बात कर रहा है। किसकी? इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा की बात कर रहा है। तो पहली कक्षा यानी एन का मान एक, तब आपका एल इजिकल टू एन माइनस, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा ऐसी कंडीशन में? एन की वैल्यू यहां हमने पहली रख दिया एक, एक माइनस एक बराबर जीरो। ठीक है, अब बात करता हूं बेटा दूसरी कक्षा के लिए। और पहली कक्षा में केवल कौन होता है? S होता है, इसलिए L का मान जीरो किसके लिए आता है? S उपकोष के लिए। किसके लिए बेटा? S उपकोष के लिए। पूरी पूरी बात बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। N बराबर अगर दो है तो L का व्यायाम मान निकालना है, तो दो माइनस एक बराबर एक, और ये वैल्यू आती है बेटा P उपकोष के लिए। किसके लिए बेटा? P उपकोष के लिए। अगर हमें एन बराबर तीन लेना है, यानी तीसरी कक्षा की अगर बात करनी है, तो एल बराबर तीन माइनस एक बराबर हो जाएगा बेटा दो, और ये हो जाता है डी उपकोष के लिए। किसके लिए बेटा? डी उपकोष के लिए। समझ में आ रही होगी कहानी? अभी और समझ में आएगी आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। एल बराबर फोर, मतलब यहां एल बराबर फोर माइनस वन, यानी चार माइनस एक बटे तीन बराबर ये होगा एफ उपकोष के लिए। याने आपको ये याद रख लेना है, जीरो एक दो तीन एस पी डी एफ उपकोष के लिए ये एल यानी द्विगंसी क्वांटम संख्या के मान होते हैं। अगर हमें यहां पर कभी भी लिखा हो कि द्विगंसी क्वांटम संख्या का मान अगर जीरो है तो इलेक्ट्रॉन कहां का होगा पूछेगा, तो हमें पता होगा एस कक्षा का। अगर द्विगंसी क्वांटम संख्या का मान एक है और इलेक्ट्रॉन की स्थिति पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां का होगा बेटा? पी का। वैसे ही दो अगर दिया है द्विगंसी क्वांटम संख्या का मान, तो इलेक्ट्रॉन डी उपकोष का होगा। अगर द्विगंसी क्वांटम संख्या का मान तीन है तो इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष का होगा। तो ये तो बात क्लियर हो गई बेटा आपको कि ये अगर वैल्यू आपको दी है, एल की वैल्यू दी है पूरी, और ये एल की वैल्यू किसके लिए कितनी होती है ये आपको याद रखना होगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी द्विगंसी क्वांटम नंबर संख्या क्या है। चलिए आगे आते हैं और अगली क्वांटम संख्या यहां पर देखो, यही वैल्यू जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि L का मान अगर जीरो है तो S
एक है तो पी, दो है तो डी और तीन है तो एफ। ये मैंने निकाल के बताया आपको कि कैसे निकलती है। बात यहां आकार की भी बताया है कि एस कक्षक गोलाकार, पी डमलाकार, डबल डमलाकार और अनिश्चित। इसे जटिल द्विविमी भी बोलते हैं बेटा, जटिल जटिल द्विविमी है ना, इनकी आकृति जो होती है वो जटिल द्विविमी होती है। जटिल द्विविमी, द्वि वी मी होती है, ऐसा बोलते हैं। बाकी है अनिश्चित, इसीलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत यहां पर है नहीं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। और आगे हमारी जो क्वांटम संख्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे जीमन नामक साइंटिस्ट ने इसे इसके बारे में बताया था, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो अभी हमने देखा था बेटा आपका, इसके पहले जो क्वांटम संख्या थी वो कौन सी थी, द्विगंसी, और ये कौन सी है, चुंबकीय। द्विगंसी में क्या देखा था, वो उपकोष के बारे में बताती थी। और ये क्या करती है, अब उपकोष जैसे बेटा आपको मैं जानकारी सबसे पहले दे दूं, तो यहां पर पढ़ते हैं सबसे पहले थोड़ा एक बेस पॉइंट। आपको बताया था मैंने एस एक उपकोष है, एस एक उपकोष है जिसके कितने कक्षक होते हैं बेटा, एस एक उपकोष है जिसके कक्षक होते हैं, यहां पर हम कक्षक की बात करेंगे, तो इसका कक्षक होता है बेटा एक। कितना होता है, एक, ठीक है। पी एक उपकोष है, पी एक उपकोष है जिसका, अच्छा इसका चार्ट बना लेते हैं तो और भी अच्छा हो जाएगा। चलिए थोड़ा ऐसा कर लेते हैं बेटा, तो अभी हमें समझने में पूरी पूरी आसानी होगी कि किस प्रकार से ये पूरा पूरा हो जाता है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, है ना, एक एक चीजें बताऊंगा बिल्कुल पूरी पूरी क्लियरिटी से, थोड़ा ध्यान देंगे और समझते हैं कि कैसे। तो बेटा ध्यान से देखिए, यहां मैं लिख देता हूं उपकोष, यहां लिख देता हूं बेटा उपकोष के बाद कक्षक कितने होंगे, किस उपकोष में कितने कक्षक होंगे, है ना, तो कक्षक की संख्या यहां पर देखेंगे। तो अभी बेटा अभी हमने यहां बात किया कि एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, तो एक कक्षक होता है, ठीक है। पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, तो आपको मैंने पहले की क्लास में बताया था तीन कक्षक होते हैं, तीन कक्षक होते हैं, हमें पहले से जानकारी है, ठीक है। डी में कितने कक्षक होते हैं बेटा, तो पांच होते हैं, एक दो तीन चार पांच हो गए। और बेटा बात करें एफ की, तो एफ उपकोष में कक्षकों की संख्या हो जाती है बेटा सात, तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, पांच और छह और सात, तो टोटल सात होते हैं, ये तो जानकारी आपको हो गई। तो यहां पर क्या देख रहे हैं आपके उपकोष के कक्षक भी तो आगे बढ़ जाते हैं, एक भाग में, ये तीन भाग में, पांच भाग में, एक सात भाग में। तो अब इलेक्ट्रॉन मान के चलिए आप कि ये एक मैंने बताया था उपकोष मतलब घर, और ये है कमरा, कमरा। एस जो है उपकोष है, और ये जो है ये इसका घर है जो कि एक कमरे का, ये तो एक कमरे का, इसलिए एस उपकोष बोलो चाहे एस कक्षक बोलो, ठीक है। यहां पी है, पी के तीन कक्षक होते हैं, डी के पांच और एफ के सात होते हैं। तो यहां पर इनके ये एस का, एफ का उपकोष भी है, एफ का कक्षक भी है, ठीक है। तो ये एफ एक उपकोष होता है जिसके सात कक्षक, इसके पांच कक्षक, इसके तीन और इसका एक कक्षक होता है। थोड़ा यहां पर ध्यान रखिएगा, बस बोलने चालने में क्या होता है कि हम एस को कक्षक भी बोल देते हैं, एस को उपकोष भी बोल देते हैं, ये ऐसा जनरली हो जाता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बातों का। चलिए आते हैं, यह क्वांटम संख्या उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को बताती है कि उपकोष के कक्षकों में, मतलब मैंने बोला कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसके घर में तीन कमरे, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाए, तो जैसे यहां पर पी के, पी में तो आया इलेक्ट्रॉन, पर पी में किस में आया, क्योंकि इसके तीन कमरे, एक दो तीन, तो तीन में किस में जाएगा, यानी उपकोष के कक्षकों में अभिविन्यास को दर्शाती है। मतलब अगर किसी पी कक्षक में तीन इलेक्ट्रॉन आए, तो एक दो और तीन ऐसे भरेंगे, एक दो और तीन ऐसे भरेंगे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पर पहले एक जाएगा, फिर दो जाएगा, फिर तीन, ठीक है। तो ये जो है क्वांटम संख्या जो वाली है, ये उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को दर्शाती है कि इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास कैसे होगा, ये बारे में जानकारी देती है, ठीक है बेटा। अभी और भी जानकारी देंगे आगे। इसे एम से दर्शाते हैं, एम के कुल मान क्या होते हैं, 2L प्लस 1, जो कि माइनस एल से प्लस एल तक हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मैंने एक सूत्र लिखा हुआ है, m बराबर 2L प्लस 1, किसका है, इसके मान, चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान निकालने के लिए एक सूत्र है। क्या बताती है ये, उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को बताती है। देखते हैं, अगर पहली कक्षा है
तो पहली कक्षा, हाँ एक मिनट बेटा, हमें इसमें एल क्या है पहले पता होना चाहिए, द्विगंसी क्वांटम संख्या, और द्विगंसी क्वांटम संख्या के मान अभी हमने निकाला था, तो देखते हैं आगे क्या होगा और कैसे होगा। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर हमने एल का मान ले लिया जीरो। जीरो किसके लिए होता है बेटा? एस के लिए। किसके लिए? एस के लिए। ठीक है, एल का मान एक किसके लिए होता था? पी के लिए। यहां पर देखे, ये होता था एस के लिए, ये होता था पी के लिए। L बराबर दो आया था किसके लिए? अभी हमने जस्ट पढ़ा है, D के लिए। और L बराबर बेटा तीन आता था ये F के लिए। ये हमने पूरी बातें पढ़ा है, ध्यान से देखिएगा, ये पूरी बातें हमने पढ़ा है। अब यहां पर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं M की। तो M इज इक्वल टू आगे देखिएगा, M कैलकुलेट करते हैं तो M इज इक्वल टू टू जीरो प्लस वन। कितना हो जाएगा बेटा? 0 प्लस 1 तो 0, ये तो हो जाएगा, यहां आएगा 1 1, या इसे और करके लिख देते हैं 0 ही। कितना बेटा? 0 ही लिख देते हैं। क्यों 0 लिखते हैं? इसका भी कारण होता है। क्यों 0 लिखते हैं? इसका भी कारण होता है, अभी बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। 1 या 0, शून्य क्यों लिख देते हैं? क्योंकि यहां पर कोई अभिविन्यास कक्षकों में नहीं होता, क्योंकि एस कक्षकों के पास केवल एक ही कक्षक होता है। एस उपकोष के पास केवल एक ही कक्षक होता है, यानी उपकोष के कक्षकों में अभिविन्यास नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक ही है, तो इलेक्ट्रॉन आए तो एक ही में जाएंगे, कोई अभिविन्यास की जगह पर, यहां पर अभिविन्यास हो सकता है क्योंकि यहां तीन कक्षक है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है, 1 2 3 कहीं भी जा सकता है, इसलिए यहां अभिविन्यास तीनों में नीचे होगा, ऊपर एस में नहीं होता। चलिए इसलिए इसका मान 0 लिखते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। एम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 2 प्लस 1 प्लस 1 है ना, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 1 2, यानी 2 एक 2 और 1 3, यानी 3 मान यहां आएंगे। तो 3 मान यहां कैसे कैसे होंगे देखिएगा, है ना। तो या इसे दर्शाता हूं 3 मान कैसे। तो बेटा ये 3 डिब्बे मैंने वहां भी बनाया, ये होता है आपका 3 मान में, ये -1, ये 0 और ये +1। ठीक है, इसे नाम भी बताऊंगे, ये PX है बेटा, ये पी Y है और ये PZ है। ठीक है, तीन कक्षक होते हैं P के, और इनके मान भी ये दर्शाए जाते हैं कि तीन वैल्यू आ गई। अगर हमारी M की 3 वैल्यू अगर आई तो इसे -1 0 प्लस 1, यहां 1 ही आई थी इसलिए 0 ले लिया था हमने इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, M का आगे का मान कैलकुलेट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसे या करके लिख सकते हैं बेटा, आगे देखिए 5 वैल्यू है इसकी, 1 2 3 4 1 2 3 4 6, थोड़ा बड़ा हो गया, चलिए देखते हैं, हाँ थोड़े छोटे में बनाते हैं, हाँ 5 वैल्यू आई है, तो ये देखिएगा 1 2 3 4 5, है ना बेटा। तो यहाँ पर इसके लिए होगा बेटा -2, ये होगा -1, ये 0, ये +1 और ये +2, ये 5 वैल्यू हो गई किसकी? L की है, देखिए यहाँ लिखा है -L से +L तक, तो -1 से +1 तक, -2 से +2 तक, वैसे ही यहां पर भी होने वाला है। M इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, यानी यहां भी 7 वैल्यू आएगी, और 7 कौन सी होगी बेटा? तो ये होगी आपकी -3 -2 प्लस 1 0 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, इस प्रकार से वैल्यू हो जाती है समझने के लिए। ठीक है, अब ये M की वैल्यू निकल गई, यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान निकल गए, और ये कैसे निकाले जाते हैं ये भी मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, समझिएगा आगे। चक्रण क्वांटम संख्या, अब इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गया मान के चलिए देखिए। अगर मैंने, हाँ थोड़ा पीछे की बात बताता हूं, अभी तो उतनी बात क्लियर नहीं होती जब तक क्वेश्चन नहीं आते बेटा। ठीक है, अब यहां पर थोड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि यहां पर जो इसकी वैल्यू है, अगर किसी भी परमाणु के लिए, किसी भी परमाणु में अगर M की वैल्यू, यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान अगर कितना दे दिया, कितना दे दिया बेटा? +1, है ना, और ये दे दिया, तो इससे क्वेश्चन का आंसर नहीं आने वाला, इससे आने ही नहीं वाला, क्योंकि हमें L की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। L की वैल्यू अगर कुछ भी दी है तो M की वैल्यू काम की है। अगर L की वैल्यू 0 दी है मान के चलिए, तो 0 तो ये यहां तो होता ही नहीं, है ना, क्यों? क्योंकि S का, S L बराबर 0 किसके लिए होता है? S और S के पास कोई अभिविन्यास नहीं होता, तो ऐसा कभी भी देगा बिल्कुल नहीं। ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आंकड़े अपर्याप्त हैं, है ना, ये आएगा या इनमें से कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अभी क्वेश्चन भी बताऊंगा बेटा, आगे की ओर बढ़ेंगे, अभी पहले फिर क्वेश्चन करेंगे चारों क्वांटम संख्याओं के बाद। चलिए, तो चक्रण क्वांटम संख्या क्या करती है? यह क्वांटम संख्या उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को
बताती है, ठीक है। इसे ऐसे दर्शाते हैं, यह इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त घड़ी की सुई की दिशा में अगर घूमता है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेशन करता है तो इसके लिए प्लस एक बटे दो, और अगर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है बेटा, है ना, घड़ी की सुई की दिशा में, एक मिनट, थोड़ा गड़बड़, हाँ, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूमता है बेटा तो प्लस एक बटे दो, और ऐसे घूमता है एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस एक बटे दो इसकी वैल्यू होती है, और जब सीधा घूमता है बेटा तो इसे ऐसे या फिर इसे ऐसे दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है तो इसे ऐसे या फिर ऐसे इसे दर्शाते हैं, और ऐसे घूमता है तो इसे या तो ऐसे दर्शाएंगे या फिर बेटा इसे ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। ये दो दर्शाने की क्रम आपने देख लिया, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन वामावर्त घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूमता है तो माइनस एक बटे दो इसकी वैल्यू होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर बेटा यहां बता दूं आपको कि इलेक्ट्रॉन ऐसे और ऐसे है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी प्लस एक बटे दो, और इसकी जो वैल्यू होगी तो माइनस एक बटे दो। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा ना देते हुए ऐसा दिया है बेटा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस एक बटे दो, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस एक बटे दो। तो ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में भी जानकारी देता है, मतलब पूरी इलेक्ट्रॉन की जानकारी क्वांटम संख्या हमें देती है, ठीक है बेटा। आगे एक क्वेश्चन बताता हूँ और आपको थोड़ा डेमो सा सॉल्व करवाता हूँ, देखते हैं थोड़ा सा और समझते हैं आगे यहाँ पर थोड़ी बातें, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, आगे की ओर समझते हैं। चलिए, तो अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, समझाता हूं कि यदि 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 आपको n पहली क्वांटम संख्या है, l दूसरी है, m तीसरी है, और आपकी चौथी क्वांटम संख्या हो जाए, अच्छा छोटा दिख रहा है, चलिए ओके, एक मिनट, थोड़ा बड़े फॉर्म में लिख देता हूं। हाँ चलिए बेटा, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। हाँ चलिए, तो यहां पर यदि n बराबर 3 दे और आपको दे दे l बराबर -2 और आपको दे दे m बराबर, अच्छा यहां माइनस नहीं आएगा बेटा, यहां 2 ही आएगा ना, थोड़ा सा इन चीजों का भी ध्यान रखें। हाँ, यहां अगर दे दे 2 और यहां दे दे बेटे, यहां प्लस माइनस की वैल्यू आती है, यहां अगर दे दे आपको -1 और यहां s बराबर अगर आपको दे दे प्लस एक बटे दो, और बोले इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात कीजिए, ऐसा अगर कोई प्रश्न आता है तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा ध्यान देंगे, कैसे करेंगे तो हल कराता हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझिएगा, आपको पूरी क्वांटम संख्याएं अच्छे से समझ में आने लगेगी, ठीक है बेटा। ऐसी कंडीशन में कि यदि n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर -1 और s बराबर 1/2, तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति होगी, ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन क्या होंगे वो तो एग्जाम में देखेंगे, बट यहां पर अभी हम समझने के लिए कि चारों क्वांटम संख्या कैसे क्लियर होगी देखते हैं। यहां n बराबर 3 मतलब इलेक्ट्रॉन कहां का होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन होगा तीसरी कक्षा का होगा, मतलब तीसरी कक्षा में कौन कौन उपकोष होते हैं बेटा, तो या तो वो होगा 3s, या होगा 3p, या होगा 3d, है ना, 3 अब तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये तीन में से किसी एक का होगा, तो अगला कौन बताएगा आपको, अब l बराबर बताएगा, ये तो तीसरी कक्षा का, ये तो बताएगा तीसरी कक्षा में कौन कौन होते हैं, तो यहां पर होता है तीसरी कक्षा में ये तीन होते हैं, 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है, तो अब इनमें से कौन होगा ये क्लियर करेगा हमारा उपकोष के बारे में। तो यहां दिया है 2, यानी इलेक्ट्रॉन तीसरी है ना, तीसरी कक्षा में किस उपकोष का होगा बेटा, अभी मैंने आपको बताया था, एक क्लियर एसन फिर से कराता हूं, 0 तो s, अगर 1 है तो p और 2 है तो d और 3 है तो f, है ना, ये वैल्यू आपको याद रखना है, 0 1 2 3 s p d f। तो यहां वैल्यू क्या बेटा, यहां वैल्यू है 2, तो 2 मतलब d का होगा, d कौन सा, 3d उपकोष का होगा, क्योंकि
डी की वैल्यू होती है, डी की वैल्यू होती है दो, और यहां दो एल का मान दो दिया मतलब उपकोष होगा आपका डी, और डी होगा तो तीसरी कक्षा का, इसलिए थ्री डी, तीसरी कक्षा का इसलिए थ्री डी, तो थ्री डी उपकोष का होगा। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है ये, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, है ना। अब आते हैं बेटा तीसरा, एम बराबर, तो एम की वैल्यू दी है यहां माइनस वन, और माइनस वन दी है तो यहां पर इसे आगे क्लियर करते हैं, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा के थ्री डी उपकोष का तो होगा ही होगा, है ना, पर 3D के इसमें अगर बात करें तो 3D में कितने डिब्बे होते हैं ये बताता है, उपकोष के कक्षकों में अभिविन्यास 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं बेटा, 5 में ही होता है 0, ये होता है माइनस वन, ये होता है माइनस टू, ये होता है प्लस वन, और ये होता है प्लस टू, और यहाँ वैल्यू दिए माइनस वन, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ का है, यहाँ का है। ठीक है, कहाँ का है, यहाँ, और इसके नाम भी होते हैं बेटा, इसका नाम होता है डी एक्स वाई, है ना, इसका होता है डी वाई जेड, इसका होता है डी एक्स एक्स जेड, और इसका होता है डी एक्स का वर्ग माइनस वाई का वर्ग, और अंतिम वाले का भी यही लिख देता हूं, दिख रहा होगा डी जेड का वर्ग। ठीक है बेटा, ये इसके पांचों के नाम होते हैं, पांचों कक्षकों के नाम मैंने यहां लिख दिया है, अगर आपको माइनस वन वैल्यू दिए तो इलेक्ट्रॉन किसका होगा, डी एक्स वाई का होगा। तो तीसरा उपकोष के डी एक्स डी वाई जेड कक्षक का होगा, यानी थ्री डी का तो है पर इलेक्ट्रॉन किसका है, डी वाई जेड कक्षक का होगा। अब आगे डी वाई जेड का है तो है, पर उसमें भी दो होते हैं, एक सीधा एक उल्टा, तो आगे वाली क्वांटम संख्या बताएगी एस बराबर प्लस एक बटे दो, है ना, अर्थात इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष के है ना डी एक्स डी वाई जेड कक्षक का, और मैंने बताया था अभी बेटा सीधा चक्रण घड़ी के सुई की दिशा में अगर करता है तो प्लस एक, बट सीधा है ना कक्षक का सीधा, या घड़ी के सुई की दिशा में भी लिख सकते हैं सीधा चक्रण। ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे, सीधा चक्रण वाला इलेक्ट्रॉन होगा, सीधा चक्रण वाला इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये बात भी क्लियर हो जाती है। ठीक है, क्लियर है, यानी आप अगर पूरा बताऊं आपको तो ये अगर हम पांच बनाते हैं, अच्छा थोड़ा दिक्कत वाला है, हाँ अगर हम ऐसे पांच कक्षक बनाते हैं, इसके दिख रहा है स्क्रीन पर, हाँ क्लियर दिख रहा है, यहां अगर ऐसे पांच बनाते हैं बेटा, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां पर ये होता है 0, ये होता है प्लस माइनस वन, ये होता है माइनस टू बेटा, ये होता है प्लस वन, और ये होता है प्लस टू, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की सीधी सीधी स्थिति अगर निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन की स्थिति है। तो हमें डायरेक्ट अगर पहचानना है तो डायरेक्ट भी हम पहचान सकते हैं कि यहां पर n का मान मतलब तीसरी कक्षा का, l का मान मतलब 2d आ जाएगा, 3d हो गया, है ना, d के होते हैं पांच डिब्बे, पांच में बीच वाला इसका नाम है dxyz मतलब डी वाई जेड, 3d के dyz का है, ऐसे दिमाग में ला लेना dyz का है, और प्लस मतलब सीधा चक्रण वाला है, तो डायरेक्ट भी आंसर आपका निकल सकता है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। ठीक है बेटा, आगे की ओर बढ़ते हैं और आते हैं अब एक थोड़ा नया आगे का टॉपिक, क्वांटम संख्या क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, और भी इसके बारे में प्रिपरेशन हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इसके एमसीक्यूज करेंगे, तब हम और भी क्वेश्चनों के बारे में क्वांटम संख्या की बात करेंगे, बट हम आगे आते हैं अब टॉपिक पर, है ना, जब क्वेश्चनों की बात होगी, जब पूरे क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हम साथ में करेंगे, तो अब बात करें कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने के नियम। तो सबसे बेटा इलेक्ट्रॉन कक्षकों में भरना कैसे है, इसके बारे में सबसे पहला नियम जो है वो अपबाऊ का नियम, और अपबाऊ एक शब्द है, अपबाऊ क्या है बेटा, एक शब्द है, ये याद रखना, अपबाऊ एक शब्द है, न कि वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, तो अपबाऊ का नियम क्या कहता है कि यह इस नियमानुसार कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरते, मतलब ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, मतलब जिसकी ऊर्जा कम है ना, निम्न है, उसमें पहले भरेंगे, फिर किसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उच्च ऊर्जा स्तर वाले में
भरेंगे। पहले नीचे वाले इनको भर लो, फिर ऊपर वाले इनको भरो। मतलब क्या है बेटा कि अगर आपका घर 3-4 फ्लोर का है तो पहले नीचे का फ्लोर लोगों से भरो, फिर ऊपर का फ्लोर भरो, फिर उससे ऊपर का भरो। ये कौन बोल रहा है? अब्बाओ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उच्च इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाने चाहिए, मतलब कम वाले से अधिक वाले की ओर भरने चाहिए। पहली बात तो कंप्लीट होती है। दूसरी बात बेटा, अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले अच्छा कम ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों में भरने चाहिए, फिर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों में भरने चाहिए। पूरी बात अभी बताऊंगा, ठीक है। कक्षकों की ऊर्जा नियम द्वारा निर्धारित की जाती है, है ना, जो निम्न अनुसार है। क्या ऊर्जा होगी इसके बारे में, है ना, उस उपकोष की ऊर्जा कम होती है जिसके लिए मान कम हो, ठीक है। उस उपकोष की ऊर्जा कम होती है जिसके लिए मान कम हो। ये बेटा थोड़ा गलत दिखा है। जहां पर n प्लस l का मान कम होता है, ठीक है, कम होता है, उस उपकोष की ऊर्जा कम होती है। क्या होती है बेटा? उसकी ऊर्जा कम होती। थोड़ी बात इसको ध्यान रखना, जहां इसका मान कम होगा वहां, ये बताऊंगा अभी पूरी बातें, है ना। तथा उपकोष की ऊर्जा अधिक होती है जिसके लिए मान अधिक होता है। तो यहां पर n प्लस l का मान जहां अधिक है वहां ऊर्जा अधिक होती है, है ना। इस अपव्यय के नियम को बेटा एक और नाम से भी जानते हैं, n प्लस l का नियम, ठीक है, n प्लस l का नियम। तो यहां पर ये बात भी याद रखना, n प्लस l के नियम के नाम से भी इसे जाना जाता है, समझाया जाता है, पढ़ा जाता है, ठीक है। अभी है क्या? तो अभी हमने बात किया था, ये है मुख्य क्वांटम संख्या बेटा, और ये जो है ये है द्विगंसी क्वांटम संख्या, द्विगंसी क्वांटम संख्या, ठीक है। तो इन दोनों का जो एडिशन है वो ही क्या कहलाता है? अपव्यय के नियम को दर्शाता है कि जहां इन दोनों का एडिशन एड मान जो है वो कम होगा वहां इलेक्ट्रॉन पहले भरो, इन दोनों का योग मान जहां ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रॉन बाद में भरो। ये कौन कह रहा है? अपव्यय बोल रहा है ना। आगे बात करते हैं, अगले इस पे देखेंगे। यदि दो उपकोष के लिए अगर एन प्लस एल का मान समान आ जाए, है ना, यदि मान समान हो तो उपकोष की ऊर्जा कम होगी जिसके लिए मान कम होगा। थोड़ा यहां पर कंफ्यूज है, इस पॉइंट में शायद मिस्टेक है ना, कट कर देता हूं इसे। मैं अपने आधार पर समझाता हूं बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, है ना। मैं इसे अपने आधार पर समझाता हूं, ध्यान दीजिए, समझिए इस बात को, क्या ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो बेटा क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान से सुनते समझते। ये बोल रहा है कि अगर सबसे पहली बात तो ये आपको एक नियम में बताया, यहां पर जो भी बात रही होगी, एक पॉइंट था कि यहां पर n प्लस l का मान जहां कम होगा जिन कक्षकों के लिए, है ना, n प्लस l का मान, l का मान जहां कम हो इलेक्ट्रॉन उन कक्षकों में बेटा कक्षकों में पहले भरते हैं, ठीक है। ये तो पहली बात हो गई कि पहले भरते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरी बात क्या है बेटा? पहले भरते हैं, है ना, तथा जहां n प्लस l का मान अधिक होता है। क्या होता है बेटा? अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन वहां बाद में भरते हैं। ये तो एक बात हो गई अपव्यय के नियम की, इलेक्ट्रॉन बाद में भरते हैं। ये हो गई बात एक, जो पॉइंट समझ नहीं आ रहा था। दूसरी बात बताता हूं बेटा, यदि n प्लस l के वन नहीं बेटा ये l है ना, n प्लस l के मान यदि समान हो जाए, क्या हो जाए बेटा? मान समान हो जाए। यदि n प्लस l के मान समान हो किसके लिए बेटा? कक्षकों के लिए अगर इनके मान समान है तो इलेक्ट्रॉन कहां भरेंगे, ऐसी भी कंडीशन आती है। जैसे कि अगर बात करूं आपके सामने तो 4, 3d, 4p और 5s, इनमें n प्लस l के मान निकालते हैं बेटा तो समझ में कहानी आएगी। ये जो पहला मान होता है ये n का होता है, तो n का मान हो गया 5, n प्लस l, तो यहां सभी में n प्लस l के मान निकालेंगे। तो इसमें देखिए n का मान है, ये कक्षा का नंबर ही सामने लिखा होता है बेटा, इसमें याद रखना हमेशा। तो यहां 5 जो है ये कक्षा का नंबर है, या 4 जो है कक्षा का नंबर ही n का मान, और n का मान ही मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। तो n का मान यहां 5 है, 5, और आपको पता है s कक्षक के लिए l का मान होता है 0। यहां पर n का मान है 4 और s कक्षक सॉरी
द्विगंशी क्वांटम संख्या के लिए पी का मान होता है एक, यहां एन का मान है तीन और द्विगंशी क्वांटम संख्या के लिए डी का मान होता है दो। तो यहां बेटा टोटल योग पांच, यहां भी टोटल योग पांच, यहां भी टोटल योग पांच, ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन कहां भरे। अभी तो आपाओं ने बोला कि जहां पर n प्लस एल का मान अधिक है वहां इलेक्ट्रॉन पहले, सॉरी वहां इलेक्ट्रॉन, जहां कम है n प्लस एल का मान वहां इलेक्ट्रॉन पहले, और जहां n प्लस एल का मान अधिक है वहां इलेक्ट्रॉन बाद में भरना है। मतलब बात ये बोल रहा है ये कि जहां n प्लस एल का मान कम है उनकी ऊर्जा कम होती है, और जहां n प्लस एल का मान अधिक होता है बेटा वहां उनकी ऊर्जा अधिक होती है। बात तो ये तो क्लियर होती है बेटा, पर यहां पर बात फंस जाती है कि अगर यदि हमें कभी भी दो या दो से अधिक ऐसे कक्षक दे दिए जाएं जिनके लिए n प्लस एल के मान समान है, जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहां पर आपके सामने रखा कि अगर n प्लस एल के मान ऐसे में समान है तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहां भरते हैं जहां n का मान कम होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं बेटा, जहां n का मान कम है वहां, जहां n का मान कम है वहां इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं। क्या भरते हैं? पहले भरते हैं। ये बात याद रखना है बेटा, भरने का क्रम क्या है। ठीक है, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं और आगे थोड़ा पढ़ते हैं, देखते हैं क्या। अब कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम आपबाव के नियम के अनुसार है ऐसा। अब ये आता कैसे है ये थोड़ा सा आपको मैं बताता हूं करना क्या है आपको ऐसी कंडीशन में। तो बेटा ऐसी कंडीशन में ये जो क्रम आपको याद रखना है ना, कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपको 1s में भरने, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, मतलब ये ऊर्जा इनकी क्या होती है, बढ़ती है। मतलब n प्लस एल के लिए इसका मान कम है, इसका मान ज्यादा है, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनकी वैल्यू n प्लस एल के मान की वैल्यू इनमें बढ़ती जाएगी, यानी ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर है। क्या है बेटा? निम्न ऊर्जा स्तर से ये जो क्रम चल रहा है ये किधर चल रहा है? उच्च ऊर्जा स्तर की ओर चल रहा है, स्तर की ओर चल रहा है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर ये क्रम जो है आपका चल रहा है। ये बात तो समझ में आती है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे, पर ये होता कैसे है तो थोड़ा बताता हूं बेटा, ध्यान से दीजिएगा कि हमें अगर ये क्रम याद नहीं होता तो हम ऐसी स्थिति में क्या करें, ये थोड़ा सा आपको बताता हूं कि कैसे करते हैं। तो ये अगर याद ना हो तो यहां देखिएगा इलेक्ट्रॉन का क्रम कैसे सजाते हैं, बनाते हैं। तो यहां अगर आपको गिनती आती है, मैं बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये बताता हूं कि कैसे करना है। ठीक है बेटा, आपको अगर गिनती आती है तो गिनती सबसे पहले लिख ले 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 दिख रहा होगा नीचे तक बेटा, है ना, 8 तक। अब आपको क्या करना है, चार प्रकार के आपके उपकोष हैं, एस पी डी और एफ। ठीक है, तो बेटा आपको पता है कि हमारे पास आठवीं कक्षा अभी तक नहीं है, इसलिए इसे अभी ऐसे थोड़ा सा कट कर देते हैं। ठीक है, 7 तक की गिनती, 8 तक अभी लिखे, 8 तक पहले रहने दे, है ना, 8 तक रहने दे, फिर आगे अभी बताऊंगा कब काटना है। ठीक है, अब ये थोड़ा ट्रिकी फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं ताकि लिखने में सरल हो। आपने देखा होगा जो आप बाउकनी में ऐसे टेढ़ा मेढ़ा वाला थोड़ा दिक्कत करता है, ये सिंपल वे में मैं आपको लिखा रहा हूं। यहां एस एस लिख देंगे, ये एस उपकोष हो गया, है ना, ये एस उपकोष के बारे में हमने लिख दिया एस एस एस। ठीक है, इसके बाद बेटा इधर एक कम करो, इधर एक बढ़ाओ, तो इधर एक कम तो क्या 7, कितना बेटा 7, है ना, 6 5, थोड़ा दूर स्पेस करके लिखते हैं बेटा, थोड़ा दूर स्पेस, है ना, समझ में आएगा, इसलिए 7 6 7 6 और 7 6 7 यहां लिख दें 7 यहां लिख दें 7 यहां लिख दें 6 और यहां लिख दें 5। ठीक है, दिख रहा है बेटा थोड़ा, है ना, थोड़ा स्पेस मैनेज करते हैं और अच्छे से, हाँ ठीक है, स्पेस थोड़ा सा मैनेज करते हैं, नहीं तो क्लीन नहीं दिखेगा बेटा, क्लीन नहीं दिखने वाला है। ठीक है, तो इसे मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूं, क्लीन कर देता हूं, हाँ आगे देखेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझते हैं, है ना। यहां बेटा मैंने लिखा, यहां मैंने क्लीन लिख दिया 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s और ये लिख दिया बेटा 8s, गिनती लिखा मैंने। अब इधर एक कम करेंगे, इधर से एक बढ़ाएंगे, तो यहां लिखते हैं 7p 4 6p
देखिए एक कम किया और दूसरा उपकोष लिखना चालू किया मैंने, एक कम करके दूसरा, 5p 4p 3p और 2p, क्योंकि मैंने बोला बेटा यहां एक से तो यहां दो से, यहां पर एक कम इधर एक बढ़ाना, यहां पर एक कम फिर से 6d 5d 4d 3d और यहां पर हमने फिर से देखो एक बढ़ाया एक कम किया, यहां पर आया बेटा तो यहां पर हो जाएगा 5f और यहां हो जाएगा 4f। अब क्या करें तो अब इन्हें देखिए ऊर्जा का क्रम मैं आपके सामने बना देता हूं, ये ऊर्जा का क्रम बना दिया मैंने आपके सामने, ये ऐसे हमें ऊर्जा के बढ़ते क्रम में चलना है। अगर हमें ये याद नहीं होता है तो, अगर याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो ऐसे आपको लिख लेना है और याद कर लेना है कि ये तो होता नहीं है इसलिए अभी इसे मारो कट, ठीक है बेटा। अब ऐसे हमें क्या करना है, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में आगे की ओर बढ़ते जाना है ना। यानी देखिए 1s से 2s, 2s से 2p, 2p से 2p से 3s, 3s से 3p, ये देखिए पूरा क्रम आपको इसी फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा। हाँ, आपको मैंने बताया था s कक्षकों में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरते बेटा, s कक्षकों में अधिकतम है ना, यहां पर लिख देता हूं उपकोष और उनमें भरने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक बार बता देता हूं फिर सिखाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, किसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में मैं आपको फिर सिखाऊंगा, तो थोड़ा यहां ध्यान देंगे और समझते हैं कैसे, ठीक है बेटा। तो यहां ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको मैं बताता हूं ये उपकोष है और इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरते हैं, तो उपकोष और अधिकतम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एस उपकोष होता है, इसमें कक्षक एक होता है और इसमें अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। पी उपकोष है, इसमें तीन कक्षक होते हैं, ये भी बता चुका हूं पर एक बार रिवीजन, यहां 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं। डी उपकोष है, इसमें अधिकतम 5 कक्षक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और इसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और एफ एक उपकोष है जिसमें 7 कक्षक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 और इसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ये भी याद रखना। और यहाँ ये जो देख रहे हैं आप, देखिए कोई भी अगर एफ होगा, एफ में देखिए 14 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, है ना, अगर यहाँ पी है तो 6, एस है तो 2, डी है तो 10, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं भरे जा सकते, कम भर सकते हैं ये संभावना होती है, ठीक है। जिनने पढ़ा है पहले 11th 12th में उन्हें और भी क्लियर होता होगा। अब आगे की ओर थोड़ा आते हैं और हुंड के बहुलता नियम के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो बेटा एक चीज और, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करें थोड़ा एक चर्चा कर लेते हैं और एक नया पेज ओपन कर लेते हैं और देखते हैं थोड़ा सा, 1-2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करवा देता हूं, है ना, बात करते हैं थोड़ा, देखिएगा। चलिए तो यहां पर सोडियम 11 का, फास्फोरस 15 का और यहां पर कैल्शियम 20 और एक और ले लेता हूं, है ना, इतने का ही करते हैं। चलिए देखते हैं बनता है आपसे नहीं बनता है, है ना, ये क्रम को आपको फॉलो करना है। कौन से क्रम को बेटा, ये तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरेंगे, 1s में 11 इलेक्ट्रॉन है इसके पास टोटल, 1s 2 2s 2 2p 6 और बेटा 3s 1, कैसे, 2 और 4, 6, 4 और 6, 10 और 1, 11, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 11, ठीक है। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा और एक एक चीजें और भी बताता हूं अच्छे से, क्लियर, है ना, ध्यान से देखिएगा। दूसरा है फास्फोरस, तो फास्फोरस 15 तो देखिएगा, फास्फोरस 15 है तो देखिएगा, है ना, 1s2 है ना, 1s2 हो रहा है बेटा, है ना, 1s2, हाँ, 1s2 2s2 2p जो होगा बेटा, 2p कितने हो जाएंगे, देखो 15 हो गए, 4, 6, 10 हो गए, 3s2 कितने हो गए, 3s2 1, 10, 2, 12 और 3p 3s2 के बाद आएगा 3p, कैसे आएगा देखिए, थोड़ा क्रम देखिएगा 1s2 2s2 2p 6 3s2 तो 2, 2, 4, 2, 2, 2, 4 और 6, 10, 2, 12 और यहां आ जाएंगे 13, 14, 15, 3 आ जाएंगे 3p में, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे 3p 3, ये भी हो गया बेटा। यहां पर देखिएगा 1s2 2s2 2p 6 और यहां हो जाएगा 3s2 3p 6 और 3p6 और इसके बाद हो जाएगा बेटा 4s2 हो गया 20, है ना, ये 4s2 देख लो फिर से एक बार, हाँ ये देखिएगा एक बार फिर से,
है ना, देखिए 3P के बाद 4S और इसमें भरते हैं दो अधिकतम, तो मैंने दो, इसमें अधिकतम 6 भर सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं भरते हैं, तो ये भी आपको ध्यान से देखना है बेटा। यहां ध्यान दीजिएगा अब अगला वाला आपसे बनता है या नहीं बनता, ठीक है। तो यहां देखिएगा अब आगे, ये एक और ले लेता हूं मैं, है ना, जैसे देख लेते हैं एक जिंक 30, है ना, जिंक 30 का बेटा 1s2 2s2 2p6 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और यहां आ जाएगा आगे 3d10, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिएगा 4s के बाद, ठीक है, 4s के बाद देखिएगा तो 3d आ जाता, 3d में 10 भरते और टोटल 30 होना चाहिए। तो आपको क्या क्या ध्यान देना है, यहां पे भी ध्यान देना है कि 30 होना चाहिए, 2 और 2 4 6 10 2 12 6 18 18 20 और 10 30, तो ऐसे भी ध्यान देना है यहां पर भी कि ये भी ज्यादा ना हो, है ना। तो ये पैसे तो आपसे बनता होगा, जिस स्टूडेंट से नहीं बनता ये उसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, और फिर भी ना बने तो फिर और एक बार वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, एक स्पेशल वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाने का बना दूंगा, है ना, क्योंकि आज हमें पूरा ये चैप्टर कंप्लीट करना है, इस यूनिट को कंप्लीट करना है, इसलिए हम थोड़ा कम देख रहे हैं, है ना, बाकी चैप्टर को पूरा फोकस कर रहे हैं, पर जो बेस है जो आपने किया है पहले उसे भी हम कम कर रहे हैं, पर समझा पूरा रहे, एक एक बातें मैं बता रहा हूं, बट जिससे कुछ भी नहीं बनता है तो वो थोड़ा सा स्पेशल उसे केवल उसी टॉपिक को बहुत देर समझना होगा, तब जाके वो और भी क्लियर हो जाता है। बट जिन्हें आ जाता है थोड़ा मोड़ा, वो उन्हें पूरा क्लियर हो रहा होगा एक एक चीजें, ठीक है बेटा। हुंड का बहुलता, हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम, हुंड का नियम था इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास किया उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरेंगे कैसे, है ना, इलेक्ट्रॉन जैसे हमने अभी विन्यास किया था, इलेक्ट्रॉन उपकोष के में तो चले गए, पर उपकोष में जैसे पी में 6 गए तो उन्हें कैसे भरेंगे, या पी में 4 है तो उन्हें कैसे भरेंगे, ये बात बताता है हुंड। क्या बोलता है हुंड? इस नियम के अनुसार एक ही उपकोष के कक्षकों में, यानी समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं, है ना, तब होता है, तब तक नहीं होता, युग्मन केवल तभी होता है जब नए इलेक्ट्रॉन के लिए कोई भी पूर्णतः खाली कक्षक ना बच जाए, बचा हो। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है, समझाता हूं अपने तरीके से, ध्यान सुनिएगा। हुंड क्या बोलते हैं? किसी भी उपकोष के कक्षकों में, ठीक है बेटा, किसी उपकोष के कक्षकों में, उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, बेटा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मतलब ये युग्मन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर दिए जाए। ये पूरी बात है सिंपल वे में मैंने आपके लिए बताई है कि उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उपकोष के कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर दिए जाए। ये इससे ज्यादा सरल ये लगेगी बेटा आपको, ठीक है, समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर किसी पी उपकोष में, जैसे 3p है और उसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 3p है या p उपकोष है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, आपको पता है 3 कक्षक होते हैं इसके, एक इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, पहला यहां आएगा यानी कि px में आएगा, दूसरा py में आएगा, px में पहला, py में दूसरा, फिर सीधे pz में तीसरा, और अब एक बज गया, वो आएगा बेटा यहां फिर से पुनः px में आएगा, ठीक है। 4 है तो ऐसे, 5 है तो फिर यहां आएगा, 6 है तो फिर यहां आएगा, मतलब उपकोष के सभी कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन न भर दिया जब तक के जोड़ा नहीं बनाया जा सकता। देखो एक एक इलेक्ट्रॉन न भर दिया जाए तो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरो बोल रहा है, फिर जोड़ा बनाते हुए चलना है। कौन बोल रहा है? ये हुंड बोल रहा है। इस बातों को ध्यान में रखना है, कब? जब समान ऊर्जा वाले कक्षक है तब। यानी कि कोई मकान है जिसके
तीन फ्लोर है, पर पहले ही फ्लोर में अगर चार कमरे हैं तो चारों कमरे में पहले एक एक व्यक्ति को डालो, फिर दूसरा आता है तो दो दो डालो। इस टाइप का एक नियम है जो हुंड ने बताया कि अगर आपके पहले ही फ्लोर में तीन कमरे या चार कमरे हैं, जैसे यहाँ तीन कमरे थे और चार लोग आ गए, तो पहले हमने एक एक लोगों को एक एक कमरे में डाला, फिर पहले कमरे में दो लोगों को डाल दिया। ऐसा नहीं कि ऊपर बिल्डिंग में भिजा देना, ऊपर बिल्डिंग वाला किसका नियम था, आप पाव का, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, समझ में आ गया होगा। आगे नियम पर आते हैं, पावली का अपवर्जन नियम क्या बोलता है बेटा, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए, क्या बोलता है, इस नियम के अनुसार परमाणु के किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान समान नहीं हो सकते, चारों क्वांटम संख्या के मान समान नहीं हो सकते किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए। चलिए बात करते हैं कैसे क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण के तौर पर समझते हैं, ऐसे समझ तो ये उतना नहीं आता कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान समान नहीं हो सकते। मान के चलिए कि हमारे पास 3p उपकोष के पी जेड में ले लेते हैं, चलिए पी जेड में दो इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, पी जेड में दो है, तो चलिए बनाते हैं इसका, पी जेड में दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बेटा, पी जेड में दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो इनके लिए चारों क्वांटम संख्या निकालनी, तो कैसे निकालेंगे, तो पी जेड पहले तो बना लेते हैं ऐसे अच्छे से, है ना, एक है ना, यहां पर ये दो इलेक्ट्रॉन है, किसमें, पी जेड में, है ना, ये थोड़ा समझने के लिए बता रहा हूं मैं आपको कि यहां दो इलेक्ट्रॉन है तो इनके लिए चारों क्वांटम संख्या के मान अगर मुझे निकालने बोले कोई, पी जेड के दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या अगर मुझे निकालना है तो 3p के जेड के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान देखिएगा, n की वैल्यू तो यहाँ 3 दिख रही है ना, l की वैल्यू बेटा p कक्षक के लिए होती है 1, ठीक है, m की वैल्यू तो आपको पता है -1, 0, +1, तो यहाँ हो जाएगी +1, ठीक है, और s की वैल्यू बेटा पहला सीधा चक्रण वाला है तो +1/2, ठीक है, यहाँ पर फिर दूसरे के लिए जहाँ पर भी 3 आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 3 है, l का भी मान 1, एम का भी मान +1 क्योंकि ये भी यही है, बट एक ही कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन के लिए, क्या बोल रहा है, किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए चाहे वो एक कक्षक में भी हो तो उनके लिए चारों क्वांटम संख्या के मान समान नहीं हो सकते क्योंकि यहां एस की वैल्यू बदल जाएगी, -1/2 हो जाएगी। तो इस प्रकार ये है पावली का अपवर्जन नियम कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान समान नहीं हो सकते। समझ में आ गई होगी बातें, आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। और अगला नियम है बोर बरी का सिद्धांत, किसका सिद्धांत है, बोर बरी का सिद्धांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलता है ये, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बेटा 2n के वर्ग के अनुसार होती है, ये आपको बता दूं कितनी होती है, किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n के वर्ग के अनुसार होती है। ये हमने निकाला भी था अभी शुरू में, आपको मैंने बताया था कि अगर कोई कक्षा का नंबर है 2, कितना है बेटा 2 है, तो यहां पर n का मान 2 यानी कक्षा की संख्या 2 मतलब n का मान 2, तो 2 × 2 = 2 × 4 और 4 × 2 में करेंगे तो 4×2 = 8, मतलब दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी, है ना, भर के देख लो जाते हैं तो दूसरी कक्षा में 2s और 2p, है ना, s में 2 और p में बेटा, p में होते हैं 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 और ये 2, है ना, 2 और 6 ये 8 टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु की अगर कोई अंतिम कक्षा ये, तो अंतिम कक्षा में 8 व उससे पहले वाली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, कभी भी अगर कोई परमाणु की अंतिम कक्षा है तो उसमें कभी भी 8 से अधिक और उससे पहले वाली में 18 से अधिक नहीं हो सकते, अगर अंतिम में 8 है तो उससे पहले वाली में 18 ही होंगे, उससे अधिक नहीं हो सकते, बोल रहा है ना, उपांत यानी अंतिम कक्षा से पहले वाली, अंतिम कक्षा से पहले वाली कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब उससे पहले, उससे बाहर की कक्षा में, उससे बाहर मतलब अंतिम से पहले वाली में बोल रहा है 8 से अधिक तब होंगे, जैसे कि मान के चलिए 3 कक्षा होती फॉर एग्जांपल, या चौथी कक्षा और होती, यहाँ थोड़ा सा छोटे में बनाता हूं मैं, 1, 2, 3 और ये बेटा 4 हो गई, यहां अगर बोल रहा है कि अंतिम से पहले वाली कक्षा में 8 यानी ये कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक तभी हो सकते हैं जब उसके बाहर की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, यानी इसके बाहर की कक्षा में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, है ना, जब उसके बाहर की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, है ना, यानी इसमें
अगर दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो इसमें आठ से अधिक हो सकते हैं, ठीक है। अब यहां इसको समझते हैं बेटा, अंतिम कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं, अंतिम कक्षा में, यानी ये अगर अंतिम है तो इसमें दो से अधिक तभी हो सकते हैं जब इसके पहले वाली कक्षा में 18 से अधिक, यानी यहां जब तक 18 से अधिक नहीं होंगे, है ना, इससे पहले वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हो, यानी यहां अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो यहां दो से अधिक हो सकते हैं, नहीं तो दो से अधिक नहीं हो सकते। यहां अगर 18 से अधिक होंगे या 18 होंगे तभी यहां दो से अधिक हो सकते हैं। ये भी बात कौन बता रहा है? बोर और बरी अपने सिद्धांत में बताते हैं, तो ये बात भी समझ में आ गई होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां दिया है कि यहां अगर इससे पहले वाली में 18 है तो इससे बाद वाली में 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर दिखाए गए हैं। तो ये बात बोर बरी के सिद्धांत की थी, ये बात आपको याद रखनी है एक कॉन्सेप्ट के तौर पर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्वेश्चन में आते हैं और कैसे आएंगे ये मैं आपको क्वेश्चन के साथ रिवाइज कराऊंगा। और आज के टॉपिक पर, अंतिम टॉपिक पर आ जाते हैं, हुंड के पुरित अर्धपुरित और उपकोषों का नियम। पुरित अर्धपुरित उपकोष का नियम क्या बोलता है, ये नियम ध्यान से सुनिएगा। पूर्ण पुरित तथा अर्धपुरित उपकोष आंशिक भरे उपकोष से ज्यादा स्थायी होते हैं, यानी पूरे भरे और आधे भरे जो कक्षक होते हैं या उपकोष होते हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं किन की अपेक्षा, जो आंशिक रूप से भरे होते हैं, यानी अभी समझते हैं आगे की बात, है ना। और कक्षकों की सम्मिति होने पर वह अधिक स्थायी तो उनका बढ़ जाता है। जैसे कि एस उपकोष में बेटा, एस उपकोष में इसको बता रहा हूं, एस उपकोष में अधिकतम एक कक्षक होता है, कितना एक कक्षक होता है या एक उपकोष होता है, एक उपकोष में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो दो में या तो एक हो या दो हो, यानी आधा भरा हो या पूरा भरा हो, ठीक है। एस हो गया। पी में बेटा, पी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तीन कक्षक होते हैं, अधिकतम छह इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो छह हो या तीन हो, तीन ये है आधा और ये है पूरा, ठीक है, पूरा, ठीक है, या तो पूरे भरे हो पूरा या फिर आधा हो तो वो ज्यादा स्थायी होता है, ठीक है। डी की बात करें तो डी में पांच होते हैं, आपको पता है, ठीक है, बताएंगे नहीं, ठीक है, बार बार। यहां पर अगर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका आधा पांच हो, ठीक है। अगर एफ में सात होते हैं, आपको पता है, 14 इलेक्ट्रॉन, या यहां पर सात हो, ठीक है, तो वो आधा क्या होते हैं, ज्यादा स्थायी होते हैं, क्यों, क्योंकि या तो पूरा भरा हो या आधा भरा हो तो वो क्या होते हैं, ज्यादा स्थायी होते हैं, किन की अपेक्षा, कि जिनमें आंशिक रूप से भरे हो। तो आंशिक क्या होता है बेटा, तो आंशिक जैसे कि दो और एक, यहां तो क्लियर है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर बेटा अगर या तो चार भरे हो तो आंशिक होगा, पांच भरे हो तो वो आंशिक होगा, दो भरे हो तो वो आंशिक होगा, क्यों, क्योंकि आधा छह है और आधा तीन है और पूरा छह है, आधा तीन है और पूरा छह है, तो बीच में जो आता है इनको छोड़कर वो क्या होगा, आंशिक। यहां पर भी वही कंडीशन है कि 10 और 5 को छोड़कर जो भी इलेक्ट्रॉन इनमें आएंगे वो आंशिक होंगे, और यहां भी 7 और 14 को छोड़कर जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आंशिक रूप से भरे हुए कहलाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आई होगी। अब थोड़ा यहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से समझते हैं, एक उदाहरण लेते हैं बेटा, उदाहरण लेते हैं क्रोमियम 24 का, ठीक है। क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप अगर करते हैं तो होता है बेटा 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए बेटा, 10 हो गए, है ना, 3s2 3p6 4s2, यहां तक दिख रहा है बेटा, 4s2 नहीं दिख रहा है ना, 4s2 इधर लिख देते हैं, बाकी 4s3p6 4s2 है ना, कितने हो गए बेटा, 18 20, है ना, 3d10 कितने हो गए, ज्यादा हो गए, 3d10 ज्यादा हो गए, ठीक है। तो यहां तक हो जाते हैं 20, तो अब बेटा आपकी क्या कंडीशन हो जाती है, यहां कितने भरेंगे, तो यहां भरेंगे 4, तो हो जाएंगे 24। पर ये गलत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, किस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार। ये नियम क्या कहता है, या तो आधे भरे हो या पूरे भरे हो तो ज्यादा स्थायी होते हैं, मतलब यहां का एक इलेक्ट्रॉन कहां चले जाता है, यहां चले जाता है, तो क्या हो जाता है अंतिम में, ये तो पूरा जैसा का वैसा रहेगा बेटा, अंतिम में यहां 4s1 और यहां हो जाता है 3d5, तो ये हो गए आधे भरे और ये भी हो गए आधे भरे, जो कि क्या होता है, इससे क्या होते हैं, ज्यादा स्थायी होते हैं। ऐसा ही एक होता है कॉपर 29 में क्या होता है कि अंतिम लास्ट का बताता हूं, 3d यहां पर होता है बेटा, 3d9 होता है और 4s2 आता है, बट यहां का एक यहां दे देते तो ये हो जाता है 3d10 और ये हो जाता है 4s1, मतलब ये आधे भरे हो जाते हैं और ये पूरे भरे हो जाते हैं, जिससे कि ये ज्यादा स्थायी होते हैं, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये सही होता है और ये गलत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो ये बात को भी आपको याद रखना है कि नियम है हुंड का, पूर्ण पुरित अर्धपुरित
उपकोष नियम, क्योंकि ये भी हमें हर कैलकुलेशन में बहुत मदद करता है। तो ये जो टॉपिक हमारे हुए आज, बेसिक टॉपिक से लेकर के हम एडवांस टॉपिक तक के हम पहुंचे हैं, है ना। जो टॉपिक आपको क्लियर ना हो उन्हें आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो बेटा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर से जरूर, ठीक है बेटा। आप लोगों के बहुत बहुत व्यूअर्स पहले वीडियो में मुझे देखने को मिले, आप लोगों ने बहुत अच्छा पहले वीडियो को पसंद किया, मुझे बहुत अच्छी खुशी की बात है। देन सेकेंड वीडियो को भी आप बहुत पसंद करें और सेकेंड थर्ड फोर्थ डेली जो वीडियो हमारे डल रहे हैं, है ना, इन्हें शेयर कीजिएगा और अच्छे से अच्छी जानकारी आपको मैं देता रहूं। मैं पूरी पूरी फुल मेहनत कर रहा हूं ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट PAT 2024 में दे सकूं, ठीक है बेटा। थैंक यू, थैंक यू।